डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा। मीन्स केमिकल काइनेटिक्स रसायन बल गति की क्या है? रसायन बल गति की है हमारा स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की वेग का अध्ययन और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, यानी अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स रसायन बल गति की। तो सबसे पहले इसमें आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। कोई ये एग्जांपल है 2A जो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, कोई रिएक्शन है। तो यहां पर रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए क्या आ जाएगा यहां पर? माइनस डी सी ए अपॉन डी टी। माइनस का मतलब है रेट जो है इसकी कंसंट्रेशन, सी मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? समय के साथ कम हो रही है। तो यहां पे माइनस आएगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, यहां माइनस आया। और यहां पे प्लस क्यों आया? प्लस इसलिए आया क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी टाइम के साथ बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो यहां पे आया प्लस डीसीपी मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पे हम बात करें कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं। तो यहां पे देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खूब थी पहले जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो थी नहीं प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या हुआ? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती गई। तो यहां पे हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाता है, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहां पे देखिए रेट ऑफ ए की बात करें, ये कितने मॉलिक्यूल के लिए है? दो मॉलिक्यूल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? दो के लिए इतना, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? माइनस वन अपॉन टू डी सी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी पी अपॉन डी टी, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान और आणविक सांद्रता। इसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, इसमें बड़े कोष्ठक में। तो ये क्या होता है? एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, दैट मींस एक्टिव मास। नेक्स्ट है आपका लो ऑफ मास एक्शन। लो ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया, इसके अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए। रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी। इसी तरह रेट ऑफ पी हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ पी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हम बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ ए की पावर टू। यहां पे देखिए केमिकल रिएक्शन में ये दो आ रहा है इसलिए यहां पे टू लिखा, इंटू बी। तो रिएक्टेंट को हमने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या किया हमने? रिएक्टेंट लिए, उनके रिएक्टेंट की एक्टिव मास लिए, और जहां पे स्टोइकियोमेट्री में दो आ रहा है तो यहां पे दो लिख दिया। तो ये हो गया हमारा रेट इक्वेशन, रेट लो। और यहां पे ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे ना तो यहां आएगा स्मॉल के, दैट मींस रेट कांस्टेंट। इसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेट कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे रेट इक्वेशन योर रेट लो। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करने पे। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करने पे हमारा कैसा रिएक्शन कर्व आता है? इस तरह, क्योंकि इनिशियली शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, जैसे समय बढ़ता गया रेट ऑफ रिएक्शन कम होती गई। अब यूनिट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है टेम्परेचर।
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, जिससे कोलिजन टक्करों की संभावना बढ़ जाएगी और आपकी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से, इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इसका इफेक्ट मेनली गैसियस रिएक्शन पे पड़ता है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वो पास आ जाते हैं, प्रेशर डिक्रीज करने पे वो दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो लेकिन लिक्विड और सॉलिड में ऑलरेडी अणु पास होते हैं, तो प्रेशर का इतना इफेक्ट, इतना इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम दो रिएक्शन से समझते हैं। इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, दो, और प्रोडक्ट के कितने हैं, चार प्लस एक पाँच। तो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री में देखने पे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किधर जाएगा, इधर पांच मॉलिक्यूल हैं, इधर दो ही मॉलिक्यूल हैं, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इधर जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस इक्वेशन में देखें तो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, चार, और प्रोडक्ट के दो, तो रेट प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस साइड जाएगा जहाँ पे प्रोडक्ट जो है नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है रिएक्टेंट को वह मिनिमम एनर्जी चाहिए जो प्रोडक्ट में चेंज, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको मिनिमम एनर्जी, एनर्जी बैरियर चाहिए, उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई उसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट्स में कुछ बॉन्ड नए बनेंगे। अगर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल सिंपल हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कम है, केमिकल बॉन्ड कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, समय कम लगेगा, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपके केमिकल बॉन्ड है ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो R1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, R2। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। हिट्रोजीनस जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड बाई चारकोल। चारकोल हमने क्या लिया, चारकोल को फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लिया, एक तो हमने लिया चारकोल को फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लिया और एक वैसे ले लिया उसको बिना पाउडर फॉर्म में। तो क्या हुआ, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेने से एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि सरफेस एरिया जो है आपका फाइनली पाउडर्ड फॉर्म का, एक्टिवेटेड चारकोल का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है आपका इफेक्ट ऑफ लाइट और फोटोन। इफेक्ट ऑफ लाइट जिन रिएक्शन पे जो है लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, तो उनके उनका जो है पर्टिकुलर लैम्डा पे डिपेंड करती है लाइट, लाइट के लैम्डा पे फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर, कोटि और मोलिकुलरिटी, अणुसंख्यता। कोटि और अणुसंख्यता में अंतर, ऑर्डर क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म्स आर रेज इन द रेट लो एक्सप्रेशन, मीन्स आपका जो रेट लो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है, सभी रिएक्टेंट्स की ए बी सी, उनकी पावर का जो टोटल सम है उसे हम कहेंगे ऑर्डर। मोलिकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन्वॉल्व इन द स्टेप लीडिंग टू द केमिकल रिएक्शन। पर्टिकुलर सिंपल केमिकल रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोलिक्यूल है, वो हो गया आपका सिंपली आपका मोलिकुलरिटी। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, यह आपकी इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है
तो इसका रेट लो पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट इज इक्वल टू होगा के रेट कॉन्स्टेंट, और इसके केवल रिएक्टेंट की सिंगल पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी रेट ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी दो हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी दो। इसे समझने के लिए हम जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म ये है इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले N2O5 टूटा N2O3 प्लस O2 में, यही सबसे स्लोएस्ट स्टेप है इस केमिकल रिएक्शन की। तो और ये दो स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उससे ज़्यादा रेट नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो रेट एक्सप्रेशन आया वो इसी इक्वेशन से आया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप है, और तो इस स्लो स्टेप से ज़्यादा रेट हो नहीं सकती, इसलिए रेट आया, हमारा रेट लो आया ये। और मॉलिक्यूलरिटी पर्टिकुलर स्टेप स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, जैसे इसका 2 आया, इस रिएक्शन का 1 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया। तो यहाँ पे हम बात करें, दूसरा एग्जांपल है ये, इसमें क्या है आपका, इस इक्वेशन में एसिटिक आपका इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस है। तो यहाँ पे वाटर एक्सिस में है, वाटर एक्सिस में होने पे जो रेट लो आएगा वो आएगा ये, केवल ये, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं आएगा, वाटर की कंसंट्रेशन नहीं आएगी, जिसके कारण यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो हो जाएगा एक, क्योंकि रेट ऑफ रेट एक्सप्रेशन में ये आ रहा है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। यानी मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड्स करती है सिंपल स्टाइकियोमेट्री पर, रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री पर। तो यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी क्या है हमारी, ये थ्योरेटिकल पद है, सैद्धांतिक पद है, और कोटि क्या है, कोटि हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, रेट लॉ आने के बाद ही निकाल पाएंगे कोटि को। इसका मान, अणुसंख्यता का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, कोटि का मान शून्य कोटि, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ये अणुसंख्यता हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, 1, 2, 3 इस तरह। लेकिन ये आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में, भिन्नात्मक फॉर्म में भी हो सकती है, 1/2, 3/2 एटसेट्रा इस तरह।